अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। तो मेरे पास एक क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशंस अपलोड कर दिए हुए हैं। मैंने इस चैप्टर के नेम से ही एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा, आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को, सजेशन को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8। मैंने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को और पार्ट नंबर 8 को नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। यहां पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपसे कहा जा रहा है, जो नीचे आपको इक्वेशन दी हुई है एक तरह की, इस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करके दिखाएं। अब सॉल्व करने का मतलब है, आपको जो नीचे इक्वेशन में वेरिएबल एक्स नजर आ रहा है, आपने इसकी वैल्यूज निकाल के दिखानी है, इसी को हम इसका सॉल्व करना कहेंगे। अब इसके पिछले पार्ट्स में मैं आपको ये चीज़ें सारी बता चुका हूँ कि जब भी आपने किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना हो, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है या जो इक्वेशन आपको दी हुई है, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जब तक आप अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप इजीली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारा काम भी यहाँ पर सबसे पहले यही होना चाहिए कि ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है, यहाँ पर फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, राइट साइड पर ये मिक्स फॉर्म लिखी, आपको इन तमाम चीजों को सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यानी आपने इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है कि सॉल्व करने के बाद ये इस इक्वेशन जैसा दिखे, तभी हम कहेंगे कि हमने अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस फॉर्म में होता क्या है, इस फॉर्म में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, यानी जो वेरिएबल के ऊपर पार्ट टू होती है, वो वाली टर्म्स स्टार्ट में आ रही होती हैं, फिर वो वेरिएबल जिसके ऊपर पार वन होती है, यानी सिंपल एक्स वाली टर्म्स कह लें, वो बाद में आ रही होती हैं, और इसके बाद एट दी एंड आपके पास आखिरी में सबसे आपके पास जो होती है टर्म मौजूद होती है, वो होती है कांस्टेंट टर्म। तो जब आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होगी, इस जैसी दिख रही होगी, तब हम उसको कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखी हुई है। तो आइए अब अपने क्वेश्चन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं और इस इक्वेशन जैसा बनाते हैं, फिर हम इजीली उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर जो इक्वेशन लिखी हुई है, उधर दो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, और दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, और बीच में माइनस का साइन भी है। तो जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस का साइन होता है, इसका मतलब है यहाँ पर आपको एलसीएम की मदद से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एलसीएम आपको यहाँ पर मदद कर सकता है। अब यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एलसीएम लेना है, ये हम क्लास 9th के अंदर सीख चुके हैं। तो मैंने क्लास 9th में बताया था, ये चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, कि जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस लिखी हुई आएँ और उनके डिनोमिनेटर में, यानी उनके नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हो और आपको एलसीएम लेना हो, तो आपने ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, वो एक जैसी है कि नहीं। अगर तो वो एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है, तो दोनों को एक एक दफा लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उन दो फ्रैक्शंस का एलसीएम कहलाएगा। अब जिस तरह आप देख सकते हैं, x प्लस 2 के नीचे x माइनस 1 लिखा हुआ है और 4 माइनस x के नीचे 2x लिखा हुआ है। 2x और x माइनस 1 एक जैसे नहीं है, डिफरेंट एक्सप्रेशन है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, दोनों को एक एक दफा लिख दे मल्टीप्लाई करके, तो वही आपके पास एलसीएम कहलाएगा। यानी x माइनस 1 को और 2x को एक एक दफा लिख दें, यानी 2x एक दफा और इसको मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 1 को एक दफा लिख के इस तरीके से, तो यही इसका एलसीएम कहलाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई कहना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2x मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 से। तो ये रूल आपने याद रखना है, जब भी फ्रैक्शन के नीचे ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखी हों जो कि एक जैसी ना हो, दोनों को एक एक दफा लिख देना मल्टीप्लाई करके, वही उसका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, एक्स माइनस 1 को और 2x को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो जब आप एलसीएम ले लेते हैं, अगला काम क्या होता था, एलसीएम लेने के बाद आपने इस एलसीएम को दोनों साइड्स पे इक्वेशन के मल्टीप्लाई करवा देना होता था, जिसकी मदद से आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाई होती थी। तो यहां पर भी हमने यही करना है, हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2x इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। आपने इसी एलसीएम को जो अभी फाइंड आउट किया है, दोनों साइड्स पे क्या करवा देना, मल्टीप्लाई। तो दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाने का मतलब है दोनों साइड्स पे जो टर्म्स लिखी हुई हैं, हर टर्म के साथ आपने सेपरेटली इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले इस वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1, और आगे ये सारी की सारी चीज़ जो कि पूरी मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, पहली फ्रैक्शन के साथ जो कि लिखी हुई है x प्लस 2 ओवर x माइनस 1।
आगे माइनस का साइन डालेंगे, दूसरी फ्रैक्शन लिखी हुई है इसी से भी यही एलसीएम, 2x इंटू एक्स माइनस वन आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो दोबारा से एलसीएम लिखेंगे 2x इंटू एक्स माइनस वन और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 4 माइनस एक्स ओवर 2x। अब देखें इक्वेशन की, अब हम आ जाते हैं राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो हर जगह मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको हम बोलते हैं मिक्स फॉर्म। जब भी कोई चीज़ इस तरह की फॉर्म में लिखी हुई हो इसको हम बोलते हैं मिक्स फॉर्म। तो आपको इस मिक्स फॉर्म को पहले सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी जिसके अंदर ये होल नंबर होल पार्ट ना आ रहा हो, तो इसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि 3 को पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू टाइम्स कितना होता है 6, आंसर मिला 6, और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर में प्लस कर देते हैं, तो 6 प्लस 1 कितना होता है 7। तो इसको लिखें कैसे, जो आंसर आया 7 और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम ही रहता है और वो आ जाएगा 3। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 7/3, तो इससे भी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इस एलसीएम को, तो वो एलसीएम को मैं यहाँ पर भी देखिए मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 2x इंटू एक्स माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको मैनेज कर दिया। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहीं पे कुछ कैंसिलेशन हो रही है नहीं हो रही। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ पर भी x माइनस वन लिखा हुआ है और ये ऊपर भी 2x के साथ x माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, कैंसिलेशन पॉसिबल है। ये वाला x माइनस वन इस वाले x माइनस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जस्ट बचेगा 2x और साथ उसके मल्टीप्लाई हो रहा होगा x प्लस 2, इसको आपने ब्रैकेट्स में लिख देना है, तो ब्रैकेट्स में आ जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। आगे चलें, यहाँ पे आप देखें नीचे 2x लिखा हुआ है, ऊपर भी 2x लिखा हुआ है, तो ये कंप्लीट 2x 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस एक्स से। तो आपने जस्ट लिख देना ब्रैकेट्स में x माइनस 1 और आगे इसको मल्टीप्लाई का कर देना, यानी ब्रैकेट्स में डाल के लिख देना 4 माइनस एक्स इक्वल टू का साइन। अब देखिए यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, यहाँ पे एक ही फायदा है, आप 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें ताकि चीज़ें आसान हो जाएं। तो 7/3 को आप वैसे ही उतार लें और 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिखें, और 2x को माइनस 1 से भी करेंगे तो कितना आ जाएगा -2x। तो मैंने 2x को अंदर मल्टीप्लाई करके, यानी ब्रैकेट्स ओपन करी और 2x को अंदर मल्टीप्लाई करके इस तरह इनको एक ही ब्रैकेट्स में लिख लिया और बाहर 7/3 इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, 2x को आपको इस ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे ब्रैकेट्स एक्सपेंड होंगी तो 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x को x टाइम्स करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का साइन, 2x को 2 टाइम्स करेंगे 2 टाइम्स 4 हो जाएगा और x साथ वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, तो बेहतर यही है कि आप जब यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहे हैं और यहाँ पे इस तरह की राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर लें, क्योंकि आपने एक ही बार ब्रैकेट्स को ओपन करना है तभी साइन चेंज करना है। अगर आप यहीं पर मल्टीप्लाई करते जाएंगे और साथ साथ लिखते जाएंगे टर्म्स को तो साइन की प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको चेंज करने में इशू आए। तो पहले आप इनको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लें, इनकी टर्म्स राउंड ब्रैकेट्स में लिख लें, उसके बाद आप पीछे जो साइन है उसको यूज़ करिएगा और अंदर टर्म्स के साइन चेंज कर दीजिएगा। तो दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि जो पहली ब्रैकेट में पहली टर्म होती है उसको पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4x, और इसी x को माइनस x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस x x टाइम्स x स्क्वायर। अब इस माइनस 1 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस x से भी करेंगे, तो माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 और माइनस 1 इंटू माइनस x माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू x कितना होता है 1x। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को चीज़ों को मल्टीप्लाई करके सारी टर्म्स आ गई और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 7/3 को बेसिकली आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7/3 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से कर दें, 7 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 14 और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 3 वैसे का वैसे, और इधर माइनस का साइन, इधर भी 7/3 को जब 2x से करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, यानी 7 2 टाइम्स 14 साथ एक्स और जो नीचे 3 है वो साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे अब आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे ब्रैकेट्स अब मैं ओपन करने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस 4x, ये माइनस और ये वाला माइनस, जब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं बाहर माइनस का साइन होता है साइन चेंज होते हैं, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला माइनस 4 है और ये भी माइनस है बाहर, तो माइनस माइनस प्लस 4 और ये प्लस 1x है बाहर माइनस की वजह से, प्लस माइनस माइनस 1x। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के नीचे 3 लिखा हुआ है, जब भी दो फ्रैक्शंस के नीचे एक जैसा डिनोमिनेटर लिखा हो तो हम उस डिनोमिनेटर को एलसीएम के तौर पे लिख लेते हैं एक दफ़ा और ऊपर वाली चीज़ों को एज इट इज़ नोट डाउन कर लेते हैं, यानी 14x स्क्वायर माइनस 14x को आप एज इट इज़ नोट डाउन कर लेंगे। ये तभी आप कर पाते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं नीचे और ऊपर वाले टर्म्स को एज इट इज़ वैसे उतार लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखें 2x स्क्वायर और x स्क्वायर एक जैसी टर्म्स हैं, इनको स्टार्ट में लिख लें, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्लस 4x और माइनस 4x तो साफ पता चल रहा है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, तो इसलिए कैंसिल हो गया। सिर्फ क्या बचा, माइनस 1x बचा, इसको इसके आगे लिखें
और यहाँ पे एक प्लस फोर बचा, इसको आगे लिख लें और यहाँ पर सारी चीज़ों को आप वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लें जैसी वो हमारे पास लिखी हुई थी। तो देखिए मैं बिल्कुल एज इट इज़ नोट डाउन कर रहा हूँ। अब टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करें, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है वन एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर कितना होता है थ्री एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस वन एक्स और प्लस फोर वैसे का वैसे ही, और ये सारी की सारी चीज़ें यानी फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स और नीचे जो इसके थ्री है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब जब आपके पास देख सकते हैं दोनों साइड्स पे यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखी हुई है और यहाँ पे कोई और चीज़ सॉल्व हो नहीं सकती, अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो सक रही हो तो हम इस तरह लाइन डाल के इसके नीचे क्या लिख सकते हैं वन, जस्ट आसानी के लिए आप ये वन ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो ऐसे केस में जब राइट साइड पर भी एक फ्रैक्शन हो, लेफ्ट साइड पर भी एक फ्रैक्शन हो और वो इससे ज़्यादा सॉल्व ना हो सकती हूँ, तो आखिरी हल हमारे पास अक्सर औकात क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही बनता है, यानी आपने इस थ्री को जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है इन तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और वन जो यहाँ लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो रहा है इसको राइट साइड पर मौजूद ऊपर वाले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या कहते हैं। तो थ्री को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे थ्री, थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आके लेफ्ट साइड पे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस फोर के साथ, मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ किया जिसका मतलब है थ्री इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू का साइन और वन मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर वाली सारी टर्म्स के साथ जो कि है फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स और ब्रैकेट क्लोज। अब इनको फर्दर सॉल्व करें तो थ्री थ्री टाइम्स क्या होता है नाइन, अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ, तो थ्री सबसे मल्टीप्लाई होगा, थ्री थ्री टाइम्स नाइन, थ्री माइनस वन टाइम्स थ्री और थ्री प्लस फोर टाइम्स ट्वेल्व। यहाँ पे वन को फोर्टीन एक्स स्क्वायर से करें तो ये हो जाएगा फोर्टीन एक्स स्क्वायर और वन को फोर्टीन एक्स से करें तो ये हो जाएगा फोर्टीन एक्स, वन से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब आपने इस तमाम टर्म्स को एक तरफ ले आना है ताकि आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर की यहाँ पर बड़ी टर्म है फोर्टीन और वहाँ पर छोटी टर्म है, तो बेहतर यही रहता है कि जहाँ पर बड़ी टर्म्स मौजूद हों उधर ही सारी चीज़ों को मूव कर लें, अदरवाइज आप इसको लेफ्ट साइड पर भी मूव कर लेंगे तब भी सवाल हो जाएगा। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं इन तमाम टर्म्स को राइट साइड पर मूव करने लगा हूँ, मैं इक्वालिटी का साइन लिखूंगा, फोर्टीन एक्स स्क्वायर लिखूंगा, माइनस फोर्टीन एक्स को वैसे का वैसे उतारूंगा। अब आपने ध्यान से समझना है ये पॉजिटिव नाइन एक्स स्क्वायर है, जब आप इसको इक्वेशन के राइट साइड पे भेजेंगे ये नेगेटिव नाइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये नेगेटिव थ्री एक्स है इसको राइट साइड पे भेजेंगे ये पॉजिटिव थ्री एक्स हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ट्वेल्व है इसको इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करेंगे ये नेगेटिव ट्वेल्व हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा इसलिए मैं उसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ जीरो। तो मैंने तमाम टर्म्स जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई थी उनको राइट साइड पे ले आया हूँ और उनके साइन तो चेंज करने ही पड़ेंगे, उनके साइन चेंज कर दिए। अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, अब आप देखें इनमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं, फोर्टीन एक्स स्क्वायर और नाइन एक्स स्क्वायर एक जैसी टर्म्स हैं, यानी इन दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है इसलिए लाइक टर्म्स हैं, इनको साथ लिख लें, यानी फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाली टर्म्स को एक साथ लिख लें, यहाँ पे माइनस फोर्टीन एक्स है और साथ क्या लिखा हुआ है प्लस थ्री एक्स, और एट दी एंड माइनस ट्वेल्व वैसे का वैसे ही और यहाँ पे जीरो वैसे का वैसे ही। अब 14 में से 9 माइनस करना है, ये माइनस हो सकते हैं, तो जब आप 14 में से 9 माइनस करेंगे आपको मिलेगा 5, तो आप लिखेंगे 5x स्क्वायर, ये माइनस 14 है ये प्लस 3 है, माइनस प्लस माइनस, यानी 14 में से 3 माइनस करें तो आएगा 11 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 14 का, उसके पीछे माइनस है तो माइनस 11 और साथ वेरिएबल x तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, और माइनस 12 वैसे ही आ जाएगा और इधर 0 का 0 वैसे ही। और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी के लिए कि आप लिख लें 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी 0 को राइट साइड पर लिख लें और बाकी टर्म्स को लेफ्ट साइड पर लिख लें। तो अब आप देख सकते हैं हमारी ये जो इक्वेजन आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेजन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, एक्स के वाली टर्म स्टार्ट में है, एक्स वाली टर्म्स बीच में और एट दी एंड कॉन्स्टेंट वाली टर्म है, जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले बताया था, देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखी हुई भी है। तो अब जब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए, अब आपने इसको कंपेयर करवा देना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेना। तो अब हम यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करवा देना, कंपेयर करवा देना, ठीक है। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो आपको याद होनी चाहिए, वो होती है ऊपर भी लिखी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब आपने अपनी वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है इससे कंपेयर करवाना है। कंपेयर करवाने का मतलब ये होता है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा हुआ है ना, तो जो आपकी इक्वेशन है उसमें भी जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है वो ए कहलाएगा। तो आप देखें आपकी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, फाइव, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ए की वैल्यू। इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स के साथ बी लिखा हुआ है तो उधर भी जो एक्स के साथ लिखा होगा वो बी कहलाएगा। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस 11, इसका साइन इंपॉर्टेंट है वो आपने लाजमी लिखना है, तो इसका मतलब है बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 11। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लास्ट चीज़ लिखी होती है उसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे जो लास्ट में चीज़ लिखी हुई है वो माइनस 12 है, तो इसका मतलब है सी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 12 के। तो जब आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज आ जाएं, अब आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक
फॉर्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए. और यहाँ पे x भी आ सकता है, कोई और वेरिएबल भी आ सकता है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में वेरिएबल x है, इसलिए यहाँ पे हम x लिख रहे हैं. अब आपने जस्ट ये a, b और c की वैल्यू जो निकाली है ये इसमें पुट कर देनी है, तो आइए पुट कर देते हैं. तो माइनस का साइन वैसे b की वैल्यू क्या है? माइनस इलेवन, वो खुद भी माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट्स में डाल के माइनस इलेवन लिख दें इस तरीके से. प्लस माइनस का साइन स्क्वेयर रूट लिखें, बी का स्क्वेयर यानी जो बी की वैल्यू है उसका स्क्वेयर ले लें, वो माइनस इलेवन है उसका आप स्क्वेयर ले लें. माइनस फोर ए सी, ए की वैल्यू कितनी है? फाइव, ब्रैकेट में लिखें फाइव. और c की वैल्यू कितनी है? माइनस ट्वेल्व, ब्रैकेट में लिखे माइनस ट्वेल्व, ब्रैकेट क्लोज. तो यहाँ तक हमने ऊपर वैल्यूज पुट कर दी. नीचे लिखा हुआ है टू टाइम्स ऑफ a, तो a की वैल्यू कितनी है? फाइव, तो a की जगह पे आप लिख दें फाइव. तो देखिए हमने ये वैल्यूज पुट कर दिए. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से. तो हम यहाँ पे लिखेंगे x वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी ये हो जाएगा 11. प्लस माइनस वैसे ही यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट. ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर से हो सकती हैं. माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121. जब भी किसी नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है. मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पर करके भी दिखा रहा हूँ. तो देखिए कितना आता है? 121. तो आप यहाँ पर लिख दें 121. तो ये जो चीज़ है माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. याद रखिएगा जब इस तरह नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो एक के साथ माइनस का साइन हो, तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस. तो माइनस माइनस प्लस. अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 5 को 12 से मल्टीप्लाई करें, तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 12. तो यहाँ पे क्या आता है? 240 आता है. मैंने माइनस का साइन पहले सॉल्व कर लिया इसलिए यहाँ पे 12 के साथ माइनस का साइन नहीं लिखा. तो ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर क्या देती हैं? 240. तो आप यहाँ पर लिख देंगे 240. और नीचे 25 टाइम्स क्या है? 10. तो नीचे आ जाएगा 10. अब फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स 11 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट वैसे का वैसे ही. अब आपने इन दोनों को प्लस कर देना, तो 121 में आप 240 को क्या कर दें? प्लस कर दें. तो कितना आता है? 361. तो इधर आ गया 361 और नीचे आपके पास क्या आ गया? 10. अब आपने देख लेना कि ये स्क्वेयर रूट फर्दर सॉल्व होता है या नहीं होता. तो आप स्क्वेयर रूट में कैलकुलेटर में लिखेंगे स्क्वेयर रूट और उसके नीचे लिख देंगे 361, तो आपको पता चल जाएगा. तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है? 19. यानी 19 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वेयर करें तो वो 361 आता है. तो इसलिए आपने यहाँ पर अब क्या पुट कर देना है? एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 19 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा? 10. अब इस प्लस माइनस का मतलब होता है कि ये एक बार पूरी 11 जो है, 11 जो है एक बार प्लस होगा 19 में और 10 से डिवाइड होगा, और माइनस का मतलब है एक बार 11 माइनस होगा 19 से और 10 से डिवाइड होगा. तो आपने इसको अलग अलग करके सॉल्व करना है, यानी एक बार प्लस के साथ, यानी एक बार लिखें 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 10, और एक बार एक्स की वैल्यू लिखें 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10. तो इस माइनस के साइन का ये मीनिंग होता है. अब 11 प्लस 19 कितना होता है? तो आपको पता है 11 में 19 प्लस करेंगे 30 आ जाएगा. तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऊपर आ जाएगा 30 और नीचे आ जाएगा 10. इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कैंसिल आउट होते हैं 10 वन टाइम्स, 10 थ्री टाइम्स. आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं. तो x का आंसर कितना आपके पास आ जाएगा? उसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3. और इधर भी अब आपको करना है, इधर आपको 11 में से 19 को माइनस करना है. तो 11 माइनस 19 करेंगे तो कितना आता है? माइनस 8. तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस 8. आप यहाँ पे लिखें माइनस 8 और नीचे लिख दें 10. तो इनमें भी कैंसिलेशन होती है. 2 4 टाइम्स 8 होता है, 2 5 टाइम्स 10 होता है. इससे आगे कैंसिल आउट नहीं होंगे. तो माइनस का साइन वैसा ही, ऊपर 4 और नीचे 5. तो इसका मतलब है यहाँ पे दूसरा आंसर क्या मिल गया? माइनस 4 ओवर 5. तो यही दो वैल्यूज थी जो हमने निकाल कर दिखानी थी. तो हमें पता चल गया हमारा सोल्यूशन सेट आ गया. अब आपने सोल्यूशन सेट लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स डालनी है और इन दोनों आंसर्स को कॉमास के जरिए सेपरेट करके लिख देना है. किसी भी आंसर को पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है. मैं पहले 3 लिख रहा हूँ, कॉमा का साइन, और उसके बाद माइनस 4 ओवर 5. तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था. तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. हमने ये जो है पार्ट फिनिश कर लिया है. इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ.